23rd में कल का लो प्रेशर जो था आज सुबह 11:30 में डिप्रेशन व अवपात में रूप लिया है और इसका लोकेशन अभी है 590 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप, 690 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ बालासोर। इट मीन्स हमारा पारादीप से 590 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट का दूर में जाने से हमारा इसका सेंटर है। और कल 24th मॉर्निंग तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है, फिर फर्दर 24 आवर्स में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। और इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा, फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट में 26th मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा। और 26th इवनिंग तक ये पारादीप और सागर आइलैंड, हमारा उड़ीसा का पारादीप वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड, ये दोनों का बीच में क्रॉस करने का चांसेस है बाई 26th इवनिंग। इसका हमारा अभी इसका रिगार्डिंग जो वार्निंग है इसमें फर्स्ट रेनफॉल वार्निंग मेन हमारा रेनफॉल एक्टिविटी 25th से इसका एसोसिएटेड रेनफॉल एक्टिविटी मेनली स्टार्ट होगा। 25th में हमारा मोस्ट प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल होने का चांसेस है हल्का से मध्यम, मेनी प्लेसेस में नॉर्थ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में, फ्यू प्लेसेस में साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, पुरी, खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। मयूरभंज, ढेंकनाल, गंजाम में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर हमारा 26th में मोस्ट प्लेसेस में हमारा नॉर्थ उड़ीसा में रेनफॉल होने का चांसेस है, साउथ उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में रहेगा। 26th में रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंक्रीज होगा, इसमें बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केन्झर ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी एट ए फ्यू प्लेसेस होने का चांसेस है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन्स हमारा 20 सेंटीमीटर और मोर, और हैवी टू वेरी हैवी हमारा हैवी है 7 to 11 सेंटीमीटर, वेरी हैवी होता है 12 to 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होने से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और उस दिन फिर हैवी रेनफॉल का भी चांसेस है, हैवी रेनफॉल का ढेंकनाल, ओंगोल, देवगढ़, खुर्दा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चांसेस है। फिर 27th में हमारा कम हो जाएगा इसका प्रभाव रेनफॉल वाइज, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी एक दो जगह में हो सकता है सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्झर में। अभी विंड वार्निंग जो है, विंड अभी हमारा ऑलरेडी स्क्वाली वेदर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है 45 to 55, 65 km/h। इस तरह से अभी ये विंड स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा सी एरिया में, ग्रेजुअली गेल विंड शुरू होगा। और मेनली हमारा जो वार्निंग कोस्टल एरिया लैंड एरिया के लिए है, कोस्टल एरिया में हमारा 24th इवनिंग से स्क्वाली वेदर 40 to 50 गस्टिंग टू 60 km/h होने का किलोमीटर पर आवर होने का चांसेस है। फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज होकर के 25th को बाय इवनिंग 50 to 60 गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर कोस्टल एरिया में होने का चांसेस है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोस्टल वर्ल्ड ने उसका बाद फिर ग्रेजुअली ये गेल विंड्स में होगा 26th अर्ली आवर्स में, और फिर 60 to 70 80 में गेल विंड होगा, 90 to 100 to 10 फिर फोरनून में हो जाएगा 26th, फिर ग्रेजुअली इसको और भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग भी हम लोग दे चुका है, जैसा हमारा हाईएस्ट विंड स्पीड जो अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज पैदलोंग द कोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट में दिया है उसमें 130 to 140 कास्टिंग टू 150 बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज ये 26th को होगा। और उसी दिन 60 to 70 कास्टिंग टू 80 पुरी, खुर्दा, कटक, जाजपुर, केन्झर ये सब डिस्ट्रिक्ट में है, ढेंकनाल, गंजाम में 30 to 40 कास्टिंग टू 50 में है। इसी तरह से हमारा उसका आगे पीछे भी है, उसमें ये हाईएस्ट वार्निंग ये है अभी तक। और इसका वजह से सी कंडीशन भी हमारा पहले आज अभी रफ टू वेरी रफ है, उसके बाद हाई टू वेरी हाई, फिर फिनोमिनल भी होगा। तो इसका वजह से हम लोग 23rd से 25th तक मीन्स आज तक आज से ही हमारा डीप सी एरिया में जाने के लिए माना है। और जो लोग अभी डीप सी में अभी तक है उन लोग को जल्दी आज ही
वापस आने के लिए कहा गया है, कल से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। फिशरमैन के लिए जो वार्निंग है, कल से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है, और आज जो भी डीप सी में है कोस्ट में वापस आना है। और पोर्ट वार्निंग अभी हमारा डिस्टेंस कॉशनरी सिग्नल नंबर 1 जारी हो रहा है। यही है अभी का हमारा अपडेट।